हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानने आए हैं कि वीवो मोबाइल हीट होने का और हैंग होने का कारण क्या क्या है और उसका और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो हीट होता है वो हैंग होने के कारण होता है, जो हैंग होता है वो हीट होने के कारण होता है। तो दोनों चीज़ें एक साथ आपस में मिली हुई है। अगर हम सॉल्व करें तो हैंग और हीट दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों एक सॉल्व करने से दूसरा सॉल्व हो जाता है और एक दूसरा सॉल्व करने से पहला सॉल्व हो जाता है। तो हम पहले बहुत ही छोटी सी चीज़ जानेंगे कि हीट होने का कारण क्या है। तो पहला है, हीट होने का कारण है जब आप किसी मोबाइल को ब्राइटनेस को ऑटो में रखते हैं तब मोबाइल थोड़ा सा हीट होता है। तो ये बहुत छोटी सी बात है। और इसके अलावा जो मोबाइल का स्टोरेज और रैम होता है, रैम तो बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, जो स्टोरेज होता है अगर वो फुल हो जाए या फिर 80% से ज़्यादा हो जाए तो मोबाइल हैंग और हीट दोनों होते हैं। अगर तब हम 80% से ज़्यादा होने पर अगर हम कोई गेम खेलेंगे या फिर कोई ऐप चलाते रहेंगे बहुत देर तक, तब मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। और हम आते हैं रैम के पास। तो रैम के बारे में कहें तो स्टोरेज से भी ज़्यादा क्रिटिकल है रैम, क्योंकि अगर हम स्टोरेज पर देखें तो हम आसानी से स्टोरेज को खाली कर सकते हैं, फ़ोटो डिलीट करके, वीडियो डिलीट करके, बिना ऐप डिलीट करके भी। लेकिन रैम जो होता है वो फुल्ली ऐप पर, माने जो निर्भरशील होता है ना, फुल्ली ऐप्स पर ही होता है। ऐप्स जो रैम खाता है वही ऐप्स जो रैम खाता है उसका छोटा बड़ा हिस्सों से रैम फुल हो जाता है। अगर रैम फुल हो जाता है तो हैंग होता है, और हैंग होने के कारण मोबाइल हीट होता है। तो हमने जाना कि हैंग हीट कैसे रोका जा सकता है, और एक कारण है कि मोबाइल हैंग और हीट दोनों होते हैं। जो हमारा प्ले स्टोर है ना, वो प्ले स्टोर में हम अगर जाते हैं और वहाँ पर एक चीज़ होता है ऑटो अपडेट। ऑटो अपडेट अगर ऑन रहेगा तो देखिएगा, ऑटो अपडेट से सारे ऐप एक साथ अपडेट हो जाते हैं। इसके कारण मोबाइल हैंग और हीट और स्टोरेज फुल, रैम भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसलिए हमें उस ऑटो मोड को ऑफ कर देना चाहिए। तो हम पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और ऑटो मोड को बंद करना सीखेंगे। तो हम पहले प्ले स्टोर में गए, सॉरी मैंने अपना डाटा ऑन नहीं किया है। तो हमने डाटा ऑन कर दिया, हम प्ले स्टोर में गए, फिर स्लाइड किया या फिर यहाँ जो तीन बटन हैं वहाँ पर टच किया, तब आपको दिखेगा कि यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन निकलेगा। तो सेटिंग्स के ऑप्शन में तीसरा जो ऑप्शन होता है वो है ऑटो अपडेट ऐप्स। इसको डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स में रख कर डन कीजिएगा। तो ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। और दूसरा है जो रैम होता है ना, तो वीवो में तो रैम क्लियर करने के लिए वीवो, ओप्पो, इनमें बहुत ज़्यादा, ओप्पो रियलमी में भी रैम क्लियर करने के लिए बहुत सुविधाएँ दिया जाता है। लेकिन अगर हम किसी और मोबाइल के बारे में जाने तो सेटिंग्स में जाने के बाद अपने फ़ोन के रैम स्टोरेज उनके बारे में देखिएगा। तो रैम यहाँ मेरे 693, तो ठीक है, मतलब कम से कम 700 या 500 तो होना ही चाहिए, वरना मोबाइल हैंग होता है। स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, जिसका मोबाइल वीवो नहीं है ना, उसके लिए भी मैंने एक अच्छा उपाय ढूंढ लिया है, वो है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में हम जाकर डिवाइस स्टोरेज को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर भी ऐप्स के डाटा, फोटोज़ आदि बहुत सारा क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियोस ऐप जो आपने कभी ऑनलाइन से, गूगल से, क्रोम से डाउनलोड किया था, यहाँ पर डिलीट भी किया जाता है। आप सबको शायद ये पता ही होगा, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, जिसको पता नहीं वो ऐसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये था सबसे छोटी छोटी बातें जो हमारा मोबाइल हीट और हैंग करने का कारण बनता है। तो इसी पर हम आज बात करके आज समाप्त करते हैं। जय हिंद।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, मैं फ्री फायर भी खेलता हूँ, मेरा नाम सोप 1010T है। अगर कभी भी किसी भी मदद चाहिए तो मेरे इसमें रिक्वेस्ट भेजिए, मैसेज कीजिए, बात कीजिए, आपको मैं ज़रूर सहायता करूँगा। कमेंट कीजिए और अगले वीडियो में मैं कैसा बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, क्यों बना सकता हूँ, और आपके इस सहायता से मेरा बहुत उपकार होगा। तो जय हिंद, बाय।